पलवल के समाजसेवी खेमराज डागर ने पलवल नगर परिषद और सीएम विंडो पर शिकायत लगा करके प्रशासन के अधिकारियों को पलवल अलालपुर और किठवाड़ी की सफाई करवाने को लेकर के चेताया, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी के कानों पर इस बात को लेकर आज तक जूं तक नहीं रेंगी। खेमराज का कहना है कि पलवल अलालपुर और किठवाड़ी चौक पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण वहां से आमजन को निकलने में काफी परेशानियां होती हैं। खेमराज का कहना है कि जब से ये दोनों पुल बने हैं आज तक नगर परिषद द्वारा इन पुलों की साफ सफाई नहीं करवाई गई। अगर कोई उनके पास इसके बारे में शिकायत करने भी जाता है तो नगर परिषद के ईओ साहब उनसे ये कहकर बात को टाल देते हैं कि पुलों की साफ सफाई का काम नगर परिषद का नहीं होता, आप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करो। और जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हम इसके बारे में एक बात करना चाहते हैं तो वो ये कहकर बात को टाल देते हैं कि आप नगर परिषद से बात करो। खेमराज का कहना है कि हमें नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के चक्कर लगाते हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पुल हमारा नया बना है और उस पुल की तरफ किसी भी व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं है कि कोई इसकी साफ सफाई भी जरूरी है। सरकार ने हमारी ये बना के तो खड़ा कर दिया, लेकिन इसका कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। दो महीने पहले पिछले साल मैंने किया था, अप्रैल मई दो महीने किया था ये, फिर उसके बाद कह सुन के थोड़ी बहुत मिट्टी उठाई। बड़ी सिफारिशों से प्रधानमंत्री को मैंने लिखा, मुख्यमंत्री को मैंने लिखा, अब चार या छः दिन से मैं इसमें फिर लगा हुआ हूँ, फिर इतनी मिट्टी होगी। मैंने 500 से ऊपर गड्ढा कर दिए हैं मिट्टी के, लेकिन इनको उठाने वाला कोई नहीं है। रात मैंने लिखित शिकायत दी है, सुभाष चंद्रा जी आए हैं, ये सफाई साक्षरता अभियान के जो है उप प्रेसिडेंट हैं और मुख्यमंत्री जी प्रेसिडेंट हैं, तो मैंने उनको सबके सामने लिखित शिकायत दी है। ईओ को उन्होंने डांटा है मेरे सामने, कहा है भाई इसको देखो ये क्या चीज़ है।